हिंदी एंड मैथ्स नोटबुक ओके तो आज हम क्या करेंगे इंग्लिश हिंदी और मैथ्स की नोटबुक में वर्क कौन सा करना है मैं आपको वो बताऊंगी और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट नंबर उसके अकॉर्डिंग आप डॉट्स लगा के देंगे ओके okay, बच्चा बट इससे भी पहले सम बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए वॉट इज द डेट टूडे टूडेज ट्वेंटी

आज हम इनका जल्दी से क्विक रिवाइज करते हुए इनका क्विक रिवीजन करते हुए इनको और नेक्स्ट लेटर है हमारा ए एलिफेंट हम उसकी आज प्रैक्टिस करेंगे मतलब उसको हम बनाना सीखेंगे अपने इंग्लिश की नोटबुक में ओके और हम हिंदी की नोटबुक में क्या करने वाले हैं हिंदी की नोटबुक में हम कल हमने किया था ना बेटा क ख ग तो आज हम अच्छे से फिर से इसका रिवीजन करने वाले हैं और आज इसका पहले रिवीजन कर लेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट व्यंजन बनाना सीखेंगे तो हिंदी में हम क्या करने वाले हैं क ख, ग, घ और मैथ्स की नोटबुक में हम क्या करने वाले हैं आज हम मैथ्स की नोटबुक में बेटा आपकी काउंटिंग हो गई वन टू हंड्रेड कंप्लीट आज हम उसमें मिसिंग नंबर्स करेंगे मैंने बीच बीच में से लाइंस आपको दी हैं और बीच में से नंबर्स मिस हैं आपने काउंटिंग बोलनी आपको आती है और आप क्या करोगे आप अच्छे से बीच में से उसको देखोगे जैसे यहाँ पर वन वन इलेवन है और नीचे स्पेस है कुछ भी नहीं है तो आपका क्या आएगा यहाँ पर वन टू ट्वेल्व फिर वन थ्री थर्टीन मैंने राइट किया आप लिखोगे वन फोर फोर्टीन मतलब जो जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर आपने नंबर्स राइट करने हैं तो आपने क्या करना है इंग्लिश हिंदी एंड मैथ्स का रिटर्न वर्क सो बी रेडी विद योर नोटबुक्स बच्चे जल्दी से अपनी नोटबुक लेकर अपनी पेंसिल इरेजर लेकर रेडी हो जाओ अभी हम क्या करेंगे राइटिंग सो स्टार्ट। स्टार्ट। किड्स आज हम क्या करने वाले हैं? पहले हम ए ब ख, एंटर की प्रैक्टिस करेंगे फिर हम नेक्स्ट लेटर लेटर ई बनाना सीखेंगे तो आई होप आपको अच्छे से बनाना आ गया होगा यहां से स्टार्ट करके ऊपर स्लैंटिंग लाइन छोटा सा कर, देन ऐसे करके इसको मैच कर दो फिर नीचे लेकर आओ ये क्या है आ एप्पल क्या है ये आ एप्पल नेक्स्ट हमारा ब बॉल अप डाउन अप एंड इसको ऐसे कर दो ये क्या है हमारा ब बॉल ब बॉल नेक्स्ट है हमारा ख खैट क्या है बच्चे ख खैट ख खैट नेक्स्ट है हमारा डॉग अप एंड डाउन पहले यहां से इधर जाके कर्व देन इसको ज्वाइन करो फिर अप एंड डाउन बोलो ड डॉग ये तो थी बेटा हमारी रिवीजन बच्चे हर नोटबुक पे आप डेट मेंशन जरूर करोगे अब हम बनाएंगे लेटर ई ए, 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 एलिफेंट बहुत इजी है बेटा यहां से आप ऊपर जाओ स्लांटिंग लाइन ठीक है इसके बाद पीछे की तरफ से इसको ऐसे कर्व दे दो और सी जैसे बन जाता ना इस तरीके से सी बना दो Osionfish. ये बन गया हमारा ए एलिफेंट यहां से यहां जाओगे फिर इसको पीछे लाना है कर्व देना है आपको सी बना के ये बन गया हमारा ए एलिफेंट ए एलिफेंट ए एग ए एग 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 ए एग, ए एग तो ये तो था हमारा इंग्लिश का वर्क अभी हम करेंगे अपना हिंदी का वर्क हिंदी में बेटा वही रिवीजन है सबसे पहले आप क्या करोगे क कबूतर बनाओगे पहले स्टैंडिंग लाइन फिर यहां से ऐसे बीच में से मिला के ऐसे कर्व देन अप एंड डाउन क्या है ये बोल बोल के करो क कबूतर क कबूतर 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 नेक्स्ट हमारा व्यंजन क्या होता है ख खरगोश पहले क स्मॉल सा फिर ऐसे इसको मिलाओ अप एंड डाउन फिर यहां से इसको ऐसे कर्व दे दो ख खरगोश ख खरगोश ख खरगोश ख खरगोश ख खरगोश खरगोश ख खरगोश ख खरगोश ख खरगोश नेक्स्ट है बच्चे हमारा ग गमला गमला कैसे बनाते हैं बहुत इजी है गमला पहले स्मॉल स्टैंडिंग लाइन ऊपर एंड ऐसे मैच कर दो और वन स्टैंडिंग लाइन आप और लगा दो तो ये क्या बन गया बेटे ग गमला क्या बन गया गमला क्या, क्या बन गया ये ग गमला सभी बच्चे बोल बोल के राइट करेंगे Momo ग गमला ग गमला के बाद घ घर पहले वन कप फिर नेक्स्ट कप इस ऊपर वाली या सेंटर वाली डॉट से फिर अप एंड डाउन घ घर घ घर घ घर घ घर घ घर घ घर क्या है बेटे ये घर घर और अड़ खाली तो बहुत इजी है बेटा जैसे स्मॉल स्टैंडिंग लाइन वन कर्व एंड ऐसे करके कर्व नीचे और सेंटर में डॉट क्या है ये अड़ खाली 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 इसके बाद हम करेंगे अपना मैथ्स का वर्क मैथ्स में मैंने आपको मिसिंग नंबर करवाए थे बच्चे सॉरी मिसिंग नंबर करवाऊंगी देखो बेटा आप ऊपर से लाइन देखो पढ़ो क्या है ये वन वन इलेवन आप सबको पता है कि वन वन इलेवन के बाद क्या आता है वन टू ट्वेल्व फिर वन थ्री थर्टीन ये तो लिखा हुआ है फिर वन फोर फोर्टीन फिर वन फाइव फिफ्टीन लिखा हुआ है तो वन फाइव फिफ्टीन के बाद वन सिक्स सिक्सटीन 16 के बाद राइट है ना लिखा हुआ है ना फिर वन एट एटीन फिर टू जीरो थर्टी थ्री आपने लिखना है क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक है ये जगह मैंने नहीं लिखा आपने लिखना है थ्री फोर थर्टी फोर लिखा है तो थ्री फाइव थर्टी फाइव थ्री सिक्स लिखा है तो थ्री सेवन थर्टी सेवन थ्री एट नेक्स्ट हमारी कौन सी लाइन है सिक्स वन वाली ना सिक्स वन सिक्सटी वन फिर सिक्स टू नहीं है तो आपने लिखना है सिक्स टू सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री लिखा हुआ है फिर सिक्स फोर सिक्सटी फोर सिक्स फाइव सिक्सटी फाइव सिक्स लिखा है तो सिक्स सेवन सिक्सटी सेवन सिक्स एट सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन एंड सेवनटी नीचे लिखा हुआ है फिर लाइन है हमारी सेवन वन वाली सेवन वन सेवनटी वन लिखा है तो नेक्स्ट नंबर क्या है सेवन टू सेवनटी टू सेवन थ्री सेवनटी थ्री सेवन फोर राइट है फिर सेवन फाइव सेवनटी फाइव सेवन सिक्स सेवेंटी सिक्स सेवन सेवन लिखा है फिर सेवन एट सेवेंटी एट सेवन नाइन सेवेंटी नाइन एट जीरो एटी लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन है हमारी नाइन वन नाइनटी वन नाइन टू लिखा हुआ है फिर है नाइन थ्री नाइनटी थ्री नाइन फोर नाइनटी फोर नाइन फाइव लिखा हुआ है नाइन सिक्स नाइन्टी सिक्स नाइन सेवन नाइन्टी सेवन नाइन एट लिखा है फिर नाइन नाइन नाइनटी नाइन फिर वन जीरो जीरो वन हंड्रेड लिखा हुआ है तो आपने ये तीनों वर्क ध्यान से करने हैं ओके बच्चा ओके बाय बाय टेक केयर